पूर्व सैनिक पर्वतीय जन कल्याण समिति पछवा गुण ने समिति का चौथा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बता दें, पूर्व सैनिक पर्वतीय जन कल्याण समिति पछवा गुण ने आज दशहरा ग्राउंड तेलपुरा में समिति का चौथा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, साथ में बतौर विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह कुंडीर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का पूर्व सैनिकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है और कहा एक सैन्य धाम भाजपा सरकार गुनियाल गांव में बना रही है जो लगभग 2024 में पूरा हो जाएगा और कहा भाजपा सरकार सैनिकों की वीरांगनाओं को बसों में फ्री पास देने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार लगातार सैनिकों के हित में काम कर रही है और कहा सीमा पर अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार में से किसी एक को योग्यता अनुसार धामी सरकार नौकरी देने का काम करेगी। देहरादून से प्रमिता सारन की रिपोर्ट। सैनिकों के उन संगठनों से एक होने की आह्वान करता हूं कि हर सैनिक एक मुट्ठी में खड़े हो जाए। सैनिक एकता तभी हमारी मानी जाएगी जब हम लोग एक साथ खड़े होंगे। सरकार को मजबूती देना भी सैनिकों का काम है। जब जब पूर्व सैनिक संगठन के चौथे स्थापना से मुझे आने का मौका मिला और यहां पे आकर जब अपने मैं सैनिकों के बीच में आता हूं तो मुझे अपने सैनिकों के दिन याद आते हैं और मैं देखता हूं कि आज जब हमारे पूर्व सैनिक जहां 30-35 साल सीमाओं पर देश की रक्षा करके देश की सेवा की, वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में भी हमारे सैनिक काम कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक विशाल सैन्य धाम हम गुनियाल गांव में बना रहे हैं, 2024 तक पूरा हो जाएगा। हमने जो गारंटी अवार्डीज हैं उनकी वीरांगनाएं हैं, हमने बसों में फ्री पास देने की व्यवस्था उनको की है, हमने उनकी मिलने वाली पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है, हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को हमने बढ़ाया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर देश की सीमा पर कोई शहीद होगा तो उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। हमने सैन्य परिवार की विडोद की पेंशन को जो है 4,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है और लगातार सैनिकों का कल्याण हमारी सरकार कर रही है। यही कारण है कि आज चाहे सर्विंग सोल्जर हो चाहे रिटायर्ड सोल्जर हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं इनके लिए इसको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।